नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, कार्य और समय से संबंधित क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो ये उसका पार्ट टू है। ठीक है, पार्ट टू है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं तुरंत। तो एकांतर क्रम से संबंधित क्वेश्चन से शुरू करते हैं दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो एकांतर क्रम में तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप होता है कि नंबर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, दूसरा टाइप होता है कि नंबर विभाजित नहीं होता है, और तीसरा टाइप होता है कि टी का मान, जब नंबर विभाजित नहीं होता टी का मान एक से कम आता है तो वह उत्तर वही होता है, जोड़ देते हैं, लेकिन टी का मान जब एक से अधिक आता है तो वही स्टेप दोहराते हैं। ठीक है, तो ये तीन टाइप के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है नंबर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसे दिया है दो मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मजदूर एक एक दिन छोड़कर या एकांतर क्रम में कार्य करते हैं, यही आपको यही इसी से पहचानना है। ठीक है, संपूर्ण कार्य को कुल कितने दिनों में समाप्त होगा जबकि कार्य ए प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से पहचान जाएंगे कि ये एकांतर क्रम वाला है। ठीक, अब देखिए हम लोग जिस टाइप से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, अभी जैसे 1/40 भाग, 1/60 भाग, इस टाइप का कहीं पे यूज नहीं किए हम लोग, 2/40 यूज करते थे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि एकांतर क्रम वाले सवाल में आपको इसी तरीके से लिखना है। जैसे इसमें एकांतर क्रम में देखिए दो मजदूर दिया है, दो मजदूर एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं, तो प्रथम दो दिन का कार्य, अगर तीन मजदूर रहते तीन दिन का कार्य यहाँ पे होता है। ठीक है, तो दो दिन का कार्य बराबर 1/40 प्लस 1/60 भाग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे 40 और 60 का तो 120 हो जाएगा, और जब गुणा भाग जोड़ घटाना करेंगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 5/120। तो प्रथम दो दिन का काम कितना आ गया, 5/120। अब यहाँ पे देखिए पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम ये करना है, देखना है ये दोनों आपस में विभाजित हो जा रहे हैं कि नहीं। देखिए पाँच से अगर भाग दे रहे हैं 120 में, 24 बार में विभाजित हो जा रहा है। अगर एकदम पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है तो जितने बार से विभाजित होगा उतने का गुणा इधर भी कर देंगे और उतने का गुणा इधर भी कर देंगे। ठीक है, जब इतने का गुणा इधर करेंगे, क्यों करेंगे गुणा, क्योंकि हमको संपूर्ण कार्य निकालना है, तो जब ऊपर भी 120 नीचे भी 120 रहेगा तो कट के एक आ जाएगा, तो एक मतलब 100% कार्य, यानी संपूर्ण कार्य जो है कितने दिनों में हो जा रहा है, 48 दिनों में। तो यही काम है, वो कह रहा है कि एक दिन अगर ए काम करे और एक दिन बी काम करे, पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, फिर तीसरे दिन ए काम करे, फिर चौथे दिन बी काम करे, तो इस तरीके से काम ये लोग करते जाएंगे तो 48 दिन में जो है एक कार्य क्या होगा, संपूर्ण कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगेगा, और इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे टी है 40-60, तो इसमें टी का मान जो आएगा, मान लीजिए टी का मान 24 आ गया, तो 24 एक का केवल आएगा, एक के लिए, तो दूसरे के भी लिए 24 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। लेकिन हमको करना कैसे है, इस तरीके से करना है कि प्रथम दो दिन का कार्य हम निकाल लेंगे, तो अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, कितनी बार विभाजित हो रहा है उतने का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, इधर संपूर्ण कार्य बराबर 48 दिन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा टाइप है कि नंबर विभाजित नहीं होगा और टी एक से कम आएगा। नंबर जब विभाजित नहीं होगा तो एक स्टेप और ले जाएंगे तो टी एक से कम आ जाएगा, तो उत्तर वही हो जाएगा। ठीक है, देखिए RRP 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। दो मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मजदूर एक एक दिन कार्य छोड़कर, एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा जबकि कार्य को ए प्रारंभ कर रहा है। देखिए क्वेश्चन तो सेम टू सेम जैसे पिछला है टाइप वन वाला वैसे ही है, लेकिन देखिए अभी क्या होता है इसमें। प्रथम दो दिन का कार्य हम निकालेंगे, ठीक है,
प्रथम दो दिन का कार्य। और जो एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि जो ए वाला है प्रथम दो दिन का काम मतलब काम कर सकते हैं, ये कैन या पावर निकलता है, कैन निकलेगा या पावर यानी शक्ति निकलेगा, ये दोनों की शक्ति है। ए की शक्ति ये है, बी की शक्ति ये है। एक दिन में इतनी इफिशियंसी से काम कर सकता है, बी इतनी से। तो ये जो होता है कैन या पावर होता है, ठीक है। तो प्रथम दो दिन का कार्य इस तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम एलसीएम लेंगे 3/20 आ जाएगा। अब देखिए 3/20 में जब भाग देंगे तो विभाजित नहीं होगा, शेष चला जा रहा है। जब विभाजित नहीं होगा जितनी बार भागफल गया है उसी से गुणा कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ उसी से गुणा कर देंगे। तो आपका आ गया 18/20, यानी यहाँ पे 12 आ गया, यानी 12 दिन का कार्य 18/20 हो गया। अब 18/20 हो गया, पूर्ण रूप से विभाजित होता है, एक अगर आ जाता तो 100% कार्य हो जाता है, लेकिन एक नहीं आया। जब एक नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, दो स्टेप याद करेंगे। पहला स्टेप शेष कार्य और दूसरा स्टेप P=WT, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ठीक है। ये दो स्टेप याद करेंगे तो तुरंत जब यहाँ 18/20 आएगा तो शेष कार्य निकालेंगे 1-18/20, 1 में से इतना घटा देंगे तो शेष कार्य 2/20 यानी 1/10 आ जाएगा, क्या शेष कार्य आ जाएगा। और जब शेष कार्य आ जाएगा तो P=WT, मतलब इतना कार्य जो है कौन करेगा, अब 13वें दिन जो करेगा। 12 दिन का कार्य तो निकल गया था, अब 13वें दिन। अब देखिए ए है और बी है, ए पहले दिन कर रहा है, बी दूसरे दिन, फिर ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। यानी ए जो है विषम वाले दिन कर रहा है, तो 13वां दिन विषम है। तो P=WT, अब पी देखिए क्या होगा, ए का जो पी होगा, अभी हमने बताया कि पावर या कैन जो होता है यही होता है, तो ए का पावर या पी ए हो जाएगा, 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P=1/10 रख देंगे, और W=  कितना है, शेष कार्य जो बटा है 1/10, ये भी हो जाएगा। तो T=  क्या हो गया, T=1 आ गया। अब देखिए T=  जब 1 आ जाए या 1 से कम आ जाए तो उत्तर यहीं तक होगा, इसके आगे स्टेप नहीं ले जाएंगे। तो कुल समय क्या होगा, 12 दिन तो ये हो गया और 13वां दिन ये हो गया, 12 × 13 दिन, एक दिन ये हुआ ना, एक दिन ये और 12 दिन ये, 12 × 13 दिन में टोटल कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें टी का मान 1 आ गया या 1 से कम आता, तो जैसे 12 है 2/3 आ जाता, 2/3 कर देते 12 सही 2/3, लेकिन यहाँ पे 1 आया तो 12 × 13 हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे मान जो टी का आएगा 1 से अधिक आ जाएगा। Type 3 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है इस पर सवाल, टी का मान 1 से अधिक आए तो Type 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे रहेगा, दो मजदूर ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मजदूर एक एक दिन कार्य छोड़कर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा जबकि कार्य को ए प्रारंभ करता है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वही है उसी टाइप से। अब देखिए दो दिन का कार्य हम निकालेंगे, दो दिन का कार्य 1/30 × 1/10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 4/30 आ जाएगा, यानी दो दिन का कार्य 4/30। अब 4 का भाग 30 में देंगे तो 7 बार जाएगा, तो 7 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, 7 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 14 दिन का काम कितना हो गया, 28/30। अब 14 दिन का काम 28/30 हो गया, एक तो आया नहीं यहाँ पे, तो हम शेष कार्य निकालेंगे एक स्टेप पे और एक P=WT। अगर यहाँ पे टी का मान 1 से कम या 1 आ जाता है तो उत्तर वही हो जाएगा, लेकिन 1 से अधिक आएगा तो फिर यही कम हुआ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए शेष कार्य निकालेंगे, 1-28/30 तो 2/30 जो हमारा क्या हो गया, शेष कार्य। फिर देखिए यहाँ पे 14 दिन का कार्य हो गया है, 14 दिन का कार्य हो गया, 15वें दिन की बात है और कार्य ए और बी कर रहे हैं, तो ए पहले दिन करेगा, बी दूसरे दिन, यानी विषम वाले दिन कौन करेगा, ए करेगा, यानी 15वें दिन ए कार्य करेगा। तो 15वें दिन का P=WT, तो पी जो होगा पावर, पावर ए का जो होगा ए होगा, 1/30। तो यहाँ पे देखिए 1/30 इसका पावर रख देंगे और W जो है शेष 2/30 यहाँ बचा है, तो 30 से कट गया और
सी एस कार्य जो मतलब टी जो आ गया दो आ गया, और जब टी दो आ जाएगा तो इसको नहीं मानेंगे, एक आना चाहिए या एक से कम आना चाहिए। अब दो आ गया तो इसको पूरा निगलेक्ट कर देंगे, ये जो दो आया है उससे हमको कोई मतलब नहीं, अब फिर शेष कार्य निकालेंगे। अब देखिए कितने दिन का काम हो गया है, यहाँ पे 14 दिन का काम हो गया है। अब ये दो से अधिक आ गया तो 15वें दिन का काम निकालेंगे, 15वां दिन कौन करेगा, ए काम करेगा, तो 15वें दिन का कार्य 1/30, 15वें दिन का कार्य 1/30, यही वाला कार्य 1/30, यहाँ से 15वें दिन का कार्य 1/30 हो गया। अब 15वें दिन का कार्य जब 1/30 हो गया तो फिर वही काम करेंगे, शेष कार्य और P बराबर W बाई T, तो शेष कार्य निकालेंगे। तो शेष कार्य कैसे निकलेगा, तो शेष कार्य जो होगा, देखिए शेष कार्य जो होगा 2/30 - 1/30, ठीक है, 2/30 - 1/30। अब शेष कार्य कैसे निकल रहा है, शेष कार्य यहाँ से देखिए 2/30 जो है टोटल कार्य है, यहाँ पे शेष जो बचा हुआ कार्य है 2/30 बचा हुआ कार्य है कि नहीं है, तो 14 दिन में 2/30 शेष कार्य बचा है, 15वें दिन में 1/30 कार्य कर दे रहा है ए, 15वें दिन में 1/30 कार्य कर दे रहा है ए, तो अब फिर कितना बच गया, 1/30 जो कार्य है वो बचा है। फिर 16वां दिन आएगा, 16वां दिन काम करेगा बी, तो पी बराबर डब्लू बाई टी जब लिखेंगे तो यहाँ पी जो लिखेंगे बी का लिखेंगे, किसका लिखेंगे, बी का लिखेंगे, और बी का पी कितना है, 1/10 है, तो 1/10 यहाँ पे लिख देंगे पी का मान, और डब्लू का मान 1/30 यहाँ पे जो शेष बचा है उसको लिख देंगे, तो 1/3 देखिए आ जा रहा है। अब टी का मान 1/3 आ गया, और 1/3 आने का मतलब एक या एक से कम है तो सही है। अब देखिए 15 दिन पहले बीत चुके हैं, 15 दिन, 14 दिन, उसके बाद 15 दिन और 1/3, यानी 15 सही 1/3 दिन टोटल लग रहा है। यहाँ पर लिखा भी गया है यह टी का मान एक से कम है, नहीं तो इसे भी काट कर मतलब इसको भी अगर टी का मान दो से अधिक आ जाता, एक से अधिक आ जाता तो फिर एक स्टेप ले जाते, अगर नहीं आया तो रहने देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि पहले 2 दिन का कार्य निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद ये 7 से गुणा कर देंगे, और 7 से गुणा करने के बाद शेष कार्य और पी बराबर डब्लू बाई टी लगाएंगे, और जब टी का मान 2 से अधिक आ जाएगा या 1 से अधिक आ जाएगा तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको ना लेके फिर शेष कार्य निकालेंगे। 15वें दिन काम कौन करेगा, 15वें दिन काम करेगा ए, एक कितना काम करेगा, 1/30, कितने में से 2/30 में से 1/30 करेगा, तो फिर शेष कार्य 1/30 बचेगा, और फिर पी बराबर डब्लू बाई टी लगाएंगे, टी आपका 1/3 आ गया, इसका मतलब एक से कम आ गया तब सही है। 14 दिन ए हो गया, देखिए 14 दिन ए हो गया, 14 दिन ए हो गया, और प्लस 1 15वां दिन ए हो गया, और प्लस 1/3 ए हो गया, टोटल 15 सही 1/3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 2 से अधिक आ जाए, 1 से अधिक आ जाए। 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मजदूर एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा जबकि कार्य ए प्रारंभ करता है, ठीक है। अब देखिए 2 दिन का कार्य है, 2 मजदूर, तो 2 दिन का कार्य इतना 7/7, 7 60 से भाग दिए, 8 बार गया, 8 से गुणा किए, 8 से दोनों तरफ गुणा किए, तो 16 दिन का कार्य 56/7, शेष कार्य निकाले 1 - 56/7, 4/60 आ गया, और जब 4/60 आ गया तो देखिए 16 दिन का काम हो गया, 17वें दिन का काम जो टी पी बराबर डब्लू बाई टी, पी बराबर डब्लू बाई टी से टी का मान निकाले तो टी बराबर डब्लू बाई पी हो जाएगा, डब्लू देखिए यहाँ पे 4/60 है, और 17वें दिन का काम कर रहा है ए और बी, ए पहले दिन बी दूसरे दिन, 17वें दिन मतलब बीसम, यानी ए ही काम करेगा, तो ए का जो पावर होगा पी होगा 1/20 होगा, यहाँ से ए का 1/20 होगा, तो यहाँ आप टी जब लिखेंगे तो देख रहे हैं 1 सही 1/3 आ जा रहा है, 1 सही 1/3 का मतलब 1 से अधिक आ जा रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। अब देखिए 17वें दिन काम कौन करेगा, ए करेगा,
ये कितना काम करेगा, 1/20 काम करेगा। फिर शेष कार्य निकालेंगे, शेष कार्य कितने में से, 4/60 शेष कार्य बचा है, इसमें से 1/20 कार्य कर देगा कौन, ए, तो बचेगा कितना, 1/60 भाग। उसके बाद फिर टी बराबर पी बराबर डब्ल्यू बाई टी निकालेंगे, 18वां दिन, अब 18वां दिन सम आ गया, करेगा कौन, बी, तो पी बराबर डब्ल्यू बाई टी जब लगाएंगे तो डब्ल्यू बराबर तो यही 1/7 हो जाएगा, लेकिन पी बराबर जो होगा बी वाला होगा, बी वाला पी कितना है, बी वाला पी 1/15 है, तो यहाँ पे देखिए 1/15 बी वाला, 1/60 और 1/4 आ गया, यानी 1 से कम आ गया, तो आपका कितना हो गया, 16 दिन तो ए हो गया, देखिए 16 दिन आपका ए हो गया, 16 दिन हुआ कि नहीं, और 1/17वां दिन ए हो गया, और उसके बाद देखिए 1/4 यानी 17 सही 1/4 दिन में आपका टोटल कार पूरा हो जाएगा, तो इस तरीके से लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर भी एक से ज़्यादा आ जाता तो फिर एक स्टेप लगाते कि 17 दिन का शेष कार्य यहाँ पे 1/60 हो गया, फिर 18वें दिन काम करता 1/15 यानी बी काम करता 1/15, फिर शेष कार्य निकालते कितना, 1/60 माइनस 1/15, तो यहाँ से शेष कार्य आता, फिर पी बराबर डब्ल्यू बाई टी लगाते, अगर 1 से कम आ जाता तो उसको जोड़ के आंसर कर देते, कार्य जो अंतिम शेष रहेगा उसी में से घटाते हुए चले जाएंगे। अब देखिए टाइप 3 तीन मजदूर 2-2 दिन कार्य छोड़कर करते हैं, जैसे ए बी सी मजदूर हैं, ए अकेले 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन में कार्य कर सकता है, ठीक है, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कार्य कर सकता है, 2-2 दिन छोड़ के कार्य कर रहे हैं, 2 दिन छोड़ के, मतलब ए आज करेगा तो कल परसों नहीं करेगा, फिर नरसों करेगा, 2-2 दिन कार्य छोड़ कर रहे हैं, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी कार्य करता है, संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए प्रथम 3 दिन का कार्य 1/10 धन 1/12 धन 1/15, 15/60, अब 15 चौक 60, 4 से विभाजित, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, तो 4 से गुणा कर देंगे और 4 से गुणा कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा, 60 60 कट जाएगा, एक मतलब संपूर्ण कार्य 12 दिन में आपका 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा, ठीक। और इस तरीके से भी निकालेंगे टी बराबर 4 आएगा, चूँकि 3 लोग हैं तो 4 यहीं 12, लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे, इसी तरीके से, इसमें देखिए 3 मजदूर हैं तो प्रथम 3 दिन के कार्य लेंगे बस, और सब नियम वही पीछे वाला ही है। अब देखिए पुरुष और महिलाओं पर आधारित प्रश्न, किस पे, पुरुष और महिलाओं पर आधारित प्रश्न, और एक किसी भी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आते हैं। देखिए टाइप 1, इसमें हमको कितने टाइप पढ़ने हैं, इसमें हमको 3 टाइप पढ़ना है, तो टाइप 1 जो है या और रहेगा, और टाइप 2 में और रहेगा, और टाइप 3 में बराबर रहेगा या उतनी ही कार्य रहेगा, ठीक है। तो देखिए या और वाला पहले कह रहा है कि 5 पुरुष या 8 महिला किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो बताइए 4 पुरुष और 4 महिला मिलकर मतलब उसे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो आपको याद रखना है पुरुष और महिला पर आधारित प्रश्न में M1D1 बराबर M2D2 वाला सूत्र लगेगा, ठीक है, पूरा भी लग सकता है, M1D1 H1E1 अपान W1 बराबर M2D2 H2E2 अपान DW2, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न हुआ जैसे हमने बताया। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिए यम को, मतलब हम यम में हमेशा आंसर निकालेंगे, किस में, यम में, यम का मतलब समझते हैं, जैसे यहाँ पे 5 और 8 दिया है, इस फीमेल को हम क्या करेंगे, काट देंगे, और फीमेल को काटने का मतलब फीमेल हम गायब कर दिए, और फीमेल गायब करने का मतलब यहाँ पे जो है जहाँ यफ है वहाँ 5/8 यम लिख देंगे, चाहे 5/8 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 और 8 है तो 5/8 इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5/8 उठा के ले जाके यहाँ पे रख देंगे और इसको काट देंगे, देखिए इसको काटे, ठीक है, यहाँ पे देखिए 4F की जगह 5/8 यम लिख दिए, उसके बाद D2 आपका अपने आप आ जाएगा, ठीक है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि यम के साथ ही रखें, यम हटा भी सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 है ठीक, गुणे 24 बराबर, यहाँ 4 है और यहाँ पे देखिए और के जगह प्लस होगा, और के जगह प्लस होगा, और यहाँ पे 4F जो है, 4F है तो F की जगह 5/8 हो जाएगा, 4 × 5/8। आप यहाँ से गुड़े D2, यहाँ से आप D2 क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन अगला नहीं देखिए, अब एक चीज़ और देख ध्यान दीजिए, जैसे 5M या 8F दिया है, तो यह मतलब होता है बराबर, 5M बराबर 8M, तो यम बटे एफ बराबर 8/5 ठीक। कहने का मतलब यम बराबर 8 और एफ बराबर 5 भी रख सकते हैं ठीक है, या यहाँ से जैसे यम बराबर 8/5 एफ रख सकते हैं, एफ बराबर 5/8 यम रख सकते हैं, कुछ भी जो रखना हो अगर नियम से लगाना है तो इसको भी जानते रहिए ठीक है। अब देखिए M1 D1 H1 E1 / W1 M2 D2 H2 E2 / W2 पूरा सूत्र का भी यूज हो सकता है, जो यूज करना हो उसको यूज कर लें ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 बच्चे किसी कार्य को 44 दिन में करते हैं, तो बताइए एक पुरुष एक महिला एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा ठीक है। तो इस टाइप के जब प्रश्न आएंगे तो इसमें देखिए तीन आ गए तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1/2 बन रहा है, यहाँ पे 1/3 बन रहा है, तो कुछ नहीं करना है इस यहाँ पे, तो इसको गायब ही तो करना है जिस, तो 1 × 44 यहाँ लिख देंगे और उसके बाद देखिए 1 यहाँ पे रहेगा ही और एफ के जगह 1/2 हो जाएगा और सी के जगह 1/3 हो जाएगा, और तीनों अगर जोड़ के और D2 से गुणा कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। अब देखिए और वाला है, और का मतलब क्या है, कह रहा है कि 12 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में समाप्त करती हैं ठीक है, जबकि 10 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो पुरुष और महिला की क्षमताओं में अनुपात बताइए, यानी आपको यम अनुपाते यफ निकालना है, तो इसको आप केवल गुड़ा उड़ा करते हुए चले जाइए, आपका यम अनुपाते यफ आराम से निकल जाएगा ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए है, कह रहा है कि 8 पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 12 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 24 बच्चे उसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो उसी कार्य को जब आएगा तो उसका मतलब है कि बराबर है, मतलब जितना काम ये लोग इतने दिन में करेंगे उतना ही काम ये लोग इतने दिन में करेंगे और उतने दिन में ही ये लोग इतने दिन में करेंगे, तीनों बराबर, तीनों क्या है बराबर हैं। तो कह रहा है कि तीनों की क्षमताओं में अनुपात बताइए, अब तीनों की क्षमता में मतलब पुरुष महिला और बच्चे की क्षमता में अनुपात बताइए, तो क्षमता में अनुपात बताना है तो क्या करना है, 15 × 8 = 120 और 12 × 24 = 240 और 24 × 96 ठीक 960 सी। तो अब यहाँ से आप काट देंगे 12 × 12 12 × 24 = 12 × 96 इतना आ गया। अब इसको ढकिए, इसको ढकेंगे तो 8 × 16 उसके बाद दोबारा किसको ढकेंगे, अब इसको ढकिए तो उसके बाद ये 8 × 8 उसके बाद क्या करेंगे, इसको ढकेंगे तो इसको गुणा करेंगे 2 × 2 तो 16 × 8 = 2 आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो 8 × 4 = 1 जो है इनके तीनों क्षमताओं में अनुपात हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एक और Type 3 है, इसमें क्या कह रहा है कि 15 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 18 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिन में करती हैं, और तो बताइए 4 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगी ठीक है। तो ये भी ऐसे ही करना है,
बराबर बराबर का निशान लगाना है, ठीक है। 15 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, जबकि 18 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करती हैं। उसी कार्य नहीं लिखे रहेगा तब भी कोई बात नहीं है, और 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इन दोनों से देखेंगे तो यम और यफ में अनुपात निकल जाएगा कि नहीं, और यफ और यम में अनुपात जब निकल जाएगा तो आप यफ यफ वाला लेकर, जैसे इस यफ को अगर यम में बदल दें, इस यफ को यम में बदल दें, तो आपको क्या चाहिए, यफ बराबर 1/2 यम लिख दीजिए, यफ बराबर 1/2 यम लिख के अपना हल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए किया है, 18 यफ गुणे 20, 4 यम प्लस 6 यफ इतना है, तो 18 गुणे 20 है, ठीक है, और 4 गुणे 2 मतलब यम के जगह 2 यफ लिख दिया, ठीक, तो सब एकदम गायब हो जाएगा, D3 बचेगा, D3 का मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ठेकेदार वाला एक क्वेश्चन होता है, ठेकेदार वाला क्या होता है, पांच महिलाएं किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करती हैं, ठीक है, जबकि 2 पुरुष उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका निकलेगा अनुपात, सर्वप्रथम कार्य में 2 महिलाओं को लगाया गया, सर्वप्रथम कार्य में 2 महिलाओं को लगाया गया, 5 दिन बाद, 5 दिन तक तो ये लोग कार्य किए, 2 पुरुष को कार्य पर सम्मिलित कर दिया गया, मतलब 2 महिला थी पहले से, 2 पुरुष और कार्य करने लगे, तो कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, तो यही D2 पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो यहाँ 5 है तो यहाँ 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरीके से यहाँ से आप 1m = 2f करके निकाल सकते हैं, m(d)(m1, d1+m2, d2+...). तो कहने का मतलब ये है कि जब ठेकेदारी लिया था वो, तो क्या कहा, 5 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं, आप यहाँ से 2 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जब 2f * 5 और 2f + 2m * d2 लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका यम है तो इधर भी आपको यम लाना होगा, तो यफ के जगह पे 1/2m लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इसको यहाँ पे लिखिए, चाहे आप इसको यहाँ पे लिखिए, इसका कमाल है, इसी को इधर उधर करके आपको इधर वाला यफ इधर वाले यफ से काट देंगे, इधर यम रहेगा तो इधर वाला यम इधर वाले यम से काट देंगे, तो केवल D2 बचेगा, D2 आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है कि एक काम को 10 पुरुष के एक दल द्वारा 12 दिन में किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियाँ 6 दिन में कर देती हैं, यदि दोनों मिलकर यानी 10m + 10w मिलकर कार्य करें तो यही काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो इससे देखिए m/w का मान निकाल लेंगे और इससे निकालेंगे, D3 = 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मजदूरी पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे, किस पे, मजदूरी पर आधारित प्रश्न, कार्य और समय में ही आता है, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो इसमें हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि सबसे पहले देखिए मजदूर की क्षमता इम्पॉर्टेंट है कि कितनी उसके पास शक्ति है, कितनी इफ़िशियंसी है। तो जब तक आप इसकी इफ़िशियंसी या शक्ति या क्षमता नहीं निकालेंगे तब तक उसकी मजदूरी कभी निकल नहीं सकती है। तो आपको सबसे पहले मजदूरी के प्रश्न में क्षमता निकालना है, इसको अपने दिमाग में गांठ बैठा कर रख लीजिए। देखिए क्षमता और दिन में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। अगर क्षमता 3:4:5 दिया है तो आप एक होता है विलोमानुपाती के नियम से आप इसके दिन का निकाल सकते हैं, ठीक है, दिन को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे विलोमानुपाती से, पहले 3 को आप ढक दीजिए और 4×5=20, उसके बाद आप क्या करेंगे 4 को ढक दीजिए और 5×3=15, उसके बाद आप क्या करेंगे 5 को ढक दीजिए 4×3=12, ये आपका हो गया दिन में अनुपात। अगर क्षमता दिया है तो दिन में अनुपात हो गया, और अगर आपको दिन दिया है तो क्षमता में अनुपात निकालना रहेगा, फिर वही काम कर देंगे, इसको ढकेंगे तो 3×4=1200, इसको ढकेंगे तो 4×2=800, फिर इसको ढकेंगे तो 3×2=600, उसके बाद देखिए काटेंगे तो
2 × 12 और 2 × 8 2 × 6 6 × 4 × 3 में हो जाएगा। कहने का मतलब ये सब इसको मत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बस क्षमता रहे उसको दिन में बदलना हो या दिन रहे उसको क्षमता में बदलना हो, तो आप क्या करेंगे विलोमानुपाती से निकाल लेंगे। और ज़्यादातर मजदूरी वाले प्रश्न में आपको दिन दिया रहेगा और क्षमता क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मजदूरी के प्रश्न में क्षमता जरूर निकालना है और क्षमता से मजदूरी का हिस्सा निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि क्षमता मजदूरी मतलब क्षमता जितना अधिक रहेगी मजदूरी उतनी अधिक होगी, ये जान रहे हैं ना, इसीलिए क्षमता निकालेंगे कि क्षमता जितनी आपकी अधिक रहेगी, अगर आप बहुत काम करते हैं तो आपको बहुत मजदूरी मिल जाएगी, ठीक है। जितनी क्षमता से काम करेंगे उतनी ही मजदूरी मिलेगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी तीन मजदूर हैं, किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य को समाप्त करते हैं और कुल मिलाकर 1170 रुपया मजदूरी प्राप्त करते हैं, जिनमें से ए को मिलने वाली धनराशि कितने रुपए है। तो देखिए सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, इसको कार्य और समय वाला तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है, और जल्दी जल्दी इस पे लगाने लगेंगे। तो इस पे नहीं लगाना है, देखिए मजदूर जिसमें लिखा है उसको तो इस पे लगा सकते हैं, लेकिन मजदूरी अगर जिसमें दे दे तो मजदूरी जहाँ दे मजदूर की वहाँ पे क्षमता आपको तुरंत याद आना चाहिए कि क्षमता निकालना है। अब देखिए 20 30 40 दिया है, ये समझ लीजिए 20 × 30 × 40 है दिन में, तो इसकी क्षमता डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसको ढकेंगे तो 4 × 3 = 1200, इसको ढकेंगे तो 4 × 2 = 800 और इसको ढकेंगे 3 × 2 = 600 और ये देखिए दोनों कट गया, 2 × 12 2 × 8 2 × 3 = 6 6 × 4 = 3 आया है कि नहीं, ये तो इनकी क्षमताओं में अनुपात आ गया, ये 6 मतलब ये 6 गुना पैसा लेगा, ये 4 गुना पैसा लेगा, ये 3 गुना पैसा लेगा। तो अब देखिए टोटल पैसा 1170 रुपये है, 1170 में किसका पूछा है, ए को मिलने वाली धनराशि पूछा है, तो ए को कितना मिलेगा, ए को 6 भाग मिलेगा गुणे 6 और बटे अनुपाती की योग 6 × 4 = 10 × 3 = 13, तो इसको काटेंगे तो आपका आंसर 540 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दो मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं, अब मजदूर तो आ गया है, दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं परंतु कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद, कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद या पश्चात, 3 दिन पश्चात का है तो केवल 3 लिख देंगे, ए कार्य छोड़कर चला जाता है यदि संपूर्ण कार्य की कुल मजदूरी 400, अब मजदूरी जहाँ आई वहाँ क्षमता अपने आप दिमाग में आना चाहिए, हो तो बताइए प्रत्येक मजदूरी कितने रुपए होगा, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, मान लीजिए दिन अगर 20 30 50 लिखे तो इसका इफिशियंसी इसी के सामने लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ए अकेले किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 18 दिन में, ए 3 दिन में छोड़ के चला गया, टी तो ए बी वाला पूरा 3 दिन तक करे। अब देखिए ए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्षमता कैसे निकलती है, डिट बटे कैन से, डिट मतलब क्या होता है मिलकर काम करना, तो ये जो यहाँ वाला है ए वाला इसके और बटे इसके, जैसे 3/15 कर दिए तो ए की क्षमता हो गई, 3 × 1 = 3 1/5 जो हो गई ए की क्षमता हो गई, यानी 400 में से 1/5 भाग यानी 5 × 8 = 40 80 रुपया तो यही ले कर उड़ा ले गया, 80 रुपया ए ले कर चला गया और बचा हुआ 400 में से 80 रुपया ए ले कर चला गया, 320 रुपया जो बचा वो बी लेकर चला गया। तो लेकिन ए का पूछा है तो हम ए का निकाल देंगे, तो 1/5 इसकी क्षमता हो गई डिट बटे कैन से और टी बटे 18 इसकी क्षमता हो गई, तो ए वाला देखिए 400 का 1/5 यानी 80 रुपया लेकर चला गया। तो अब ये टी तो निकलेगा नहीं किसी भी हालत में, टी नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, 400 रुपये में से 80 रुपया ये लेकर चला गया तो बी वाला 320 रुपया लेगा कि नहीं, क्योंकि ये तो 3 दिन काम किया था,
इसकी मजदूरी कम होगी, ये ज़्यादा दिन काम किया है तो इसका मजदूरी ज़्यादा होगी। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए और बी मिलकर प्रतिदिन 140 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं और बी और सी मिलकर प्रतिदिन 160 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर प्रतिदिन 110 रुपये की मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो बताइए ए बी सी मिलकर प्रति सप्ताह की बात कर रहा है, प्रति सप्ताह तीनों मिलकर कितनी मजदूरी प्राप्त करेंगे, ए 7 दिन की बात कर रहा है। तो देखिए इन तीनों को जोड़ देंगे, 2ABC 410, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 205 रुपया प्रतिदिन पा रहे हैं, तो गुणा कर देंगे 7 से तो 1435 रुपया प्रति सप्ताह ये तीनों मिलकर कमा रहे हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे कह देगा कि 15 मजदूर 18 दिनों में 10,800 रुपये की मजदूरी प्राप्त करते हैं, तो 10,800 रुपया जो काम करेंगे तभी तो मजदूरी प्राप्त करेंगे, तो ये वर्क हो जाता है, वर्क या पैसा समझ लीजिए, ठीक है। तो बताइए 24 मजदूर 20 दिनों में कुल कितने रुपए की मजदूरी प्राप्त करेंगे, 24 मजदूर 20 रुपए में कुल कितने रुपए मजदूरी प्राप्त करेंगे, तो ये अमाउंट D1/W1, M2/D2/W2, तो W1 के जगह P1 और W2 की जगह P2, पैसा जो होता है इसी का होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब देखिए एक प्रश्न और बच गया है, ठीक है, दो प्रश्न और बच गए हैं, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एकांतर क्रम में, आपकी मजदूरी उजदूरी सब खत्म हो गई, अब ये देखिए दो विविध क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। प्रश्न है, 3 मजदूर ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए कार्य पर लगातार लगा रहता है, जबकि बी एवं सी एक एक दिन छोड़कर कार्य पर आते हैं, यानी ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे बी एक दिन और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे, यानी ए डेली काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, ए डेली काम कर रहा है, एक दिन सी, यानी ABAC ऐसे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक। तो संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, जबकि पहले दिन ए के साथ बी और दूसरे दिन ए के साथ सी कार्य करने आते हैं। तो देखिए ABCD हैं सब, तो पहले दिन काम करेगा ए के साथ कौन, बी। अब यही जान लीजिए कि पहले दिन ए बी काम कर रहा है, दूसरे दिन ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी, यानी दो दिन बन रहा है, तो दो दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए बी का कार्य ए बी 1/12 + 1/15, ठीक, फिर प्लस ए सी का कार्य 1/12 / 1/20, यहाँ पे इतना करेंगे तो 17/60 आ गया, कितना आ गया 17/60, यानी दो दिन का काम 17/7, तो 17 * 3 = 51 होता है, कटेगा तो है नहीं, 17 * 3 = 51, यहाँ पे 3 - 6 दिन का काम 51/60। अब देखिए शेष कार्य और पी बराबर W/T याद किए रहेंगे तो शेष कार्य निकालेंगे तो 9/60 आएगा, तो टी बराबर करेंगे W/P, तो देखिए यहाँ पे 1 आ जा रहा है, ठीक है, पी बराबर W/T करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 दिन का काम है, 7 दिन कौन काम करेगा, देखिए पहले दिन ए बी काम करेगा और दूसरे दिन कौन काम करेगा, ए सी काम करेगा, तो 7 दिन कौन काम करेंगे, ए बी काम करेंगे, तो ए पी द्वारा किया गया यही तो है पावर जो है ए बी द्वारा किया गया यही है, तो पावर पी की जगह देखिए 1/12 / 1/15 रख देंगे और डब्लू की जगह ये 9/60 रख देंगे, तो आपका आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, यानी 6 दिन ए और 7 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर, ये देखिए मजदूर, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 24 दिनों में, यदि अंतिम 6 दिनों तक, अब देखिए वही आ गया, अंतिम 6 दिनों की बात अगर करेगा, अंतिम 6 दिनों की बात करेगा तो दो समीकरण बनेगा, ये एकदम दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए, अंतिम 6 दिन की बात करेगा तो दो समीकरण बनेगा, यदि अंतिम 6 दिनों तक आदमी अकेला काम करता है, देखिए अंतिम 6 दिनों तक
आदमी अकेला काम करता है तो संपूर्ण कार्य को समाप्त होने में 26 दिन लगते हैं, यानी इससे पहले भी 20 दिन कोई काम किया होगा, यानी आदमी जो है टोटल 26 दिन काम करेगा और बॉय जो है केवल 20 दिन काम करेगा। 26 दिन का समय लगता है तो लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, तब यहीं पे देख लीजिए 24/m 24/b एक हो गया, और यहाँ पे देखिए 26/m 6 दिन आदमी अकेला काम अंतिम 6 दिन करता है ना, तो 26 दिन में समाप्त होता है, 20 दिन लड़का करता है, तो 20/b और 26/m दो समीकरण बन गया। यहाँ से आपको बी का मान निकाल लेना है, वही बी का मान पूछा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा वर्क एंड टाइम चैप्टर जो है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। अभी इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।